हम इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को लेकर, स्टैंडिंग क्रॉप, मटेरियल्स रिमूव्ड एंड प्रोडक्शन रेट। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? इट इज द अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग इन द एरिया एट एनी वन टाइम। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स as biomass of organisms, as energy content or in some other suitable terms. तो standing crop को हम number of individuals से भी हम express कर सकते हैं, biomass से भी या energy content से भी हम express कर सकते हैं। और कितने organisms exist कर रहे हैं, abundance उनकी क्या है किसी area में at any one time, तो स्टैंडिंग क्रॉप यह रिप्रेजेंट करता है। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप रिवील्स द कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द वेरियस पॉपुलेशंस ऑफ इकोसिस्टम। मटेरियल्स रिमूव्ड। The second concept of productivity is the materials removed from the area per unit time. It includes the yield to man organisms removed from the ecosystem by migration and the material withdrawn as organic deposit. तो दूसरा जो concept है productivity का, वो इस बारे में है कि materials कितने किस मात्रा में मटेरियल्स रिमूव किए जाते हैं एरिया से पर यूनिट टाइम। इसके अंतर्गत कितना यील्ड ह्यूमन पॉपुलेशन को जा रहा है और ऑर्गेनिजम्स कितने रिमूव किए जा रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं इकोसिस्टम से माइग्रेशन द्वारा, और मटेरियल विथड्रॉन एज ऑर्गेनिक डिपॉजिट, ये सब कुछ इस कंसेप्ट के अंतर्गत आ जाता है। द प्रोडक्शन रेट। द थर्ड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्शन रेट, उत्पादन की दर। यह थर्ड कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी का। और इस यह हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? इट इज द रेट एट विच द ग्रोथ प्रोसेसेस आर गोइंग फॉरवर्ड विदिन द एरिया। तो मतलब किस दर से ग्रोथ प्रोसेसेस आगे की तरफ बढ़ रही हैं उसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन रेट यह रिप्रेजेंट करता है। द अमाउंट ऑफ मटेरियल फॉर्म्ड बाय ईच लिंक इन द फूड चेन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज द प्रोडक्शन रेट। ऑल द थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, producers, consumers and reducers are the functional kingdoms of natural communities. तो मतलब ये सारे जो ये functional components हैं, producers, consumers and reducers जो हैं natural communities के functional components हैं। उत्पादक जो consumers हैं and reducers हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, द थ्री रिप्रेजेंट मेजर डायरेक्शंस ऑफ इवोल्यूशन, और ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये तीन डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं जैव विकास के, और इनके डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। प्लांट्स तो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, एनिमल्स फीड करते हैं, एनिमल्स न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं भोजन को इंजेस्ट करके, ग्रहण करके, और यह भोजन डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, और सेप्रोफाइट्स जो हैं वो फीड करते हैं एब्जॉर्प्शन द्वारा, और इनके इन्हें बड़ा एक्सटेंसिव सरफेस चाहिए होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। The principal kinds of organisms among saprophytes are the unicellular bacteria, मतलब saprophytic
ऑर्गेनिजम्स के जो एग्जांपल्स हैं, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, ईस्ट, लोअर फंजाई, हायर फंजाई, इन टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज सच एज मच एज 90% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन रिमेन्स अनहार्वेस्टेड एंड आर यूटिलाइज्ड एट डेड टिश्यू बाय सैप्रोफाइट्स एंड सॉइल एनिमल्स. तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज में ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 90% जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो अनहार्वेस्टेड रह जाता है और अल्टीमेटली वो यूटिलाइज होता है एज डेड टिश्यूज. जो सैप्रोब्स होते हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और बड़ा रोल होता है, एनिमल्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, इंटीग्रेटिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स. तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं दोबारा इकोसिस्टम में यूज होने के लिए. तो इस प्रकार से उनका बहुत ही डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बायोमास ऑफ डिकम्पोजर्स विद देयर माइक्रोस्कोपिक सेल्स एंड फिलामेंट्स एम्बेडेड इन फूड सोर्सेज इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेजर एंड दैट इज स्मॉल इन रिलेशन टू देयर प्रोडक्टिविटी एंड सिग्निफिकेंस फॉर द ecosystem. Small masses of reducers degrade and transform larger masses of organic matter to inorganic remnants. तो मुख्य बात इसमें यही है कि decomposers की मदद से जो energy जो organic compounds में निहित होती है वो दोबारा डिस्पर्स होकर के वो दोबारा एनवायरनमेंट में आ जाती है. तो इस प्रकार से डीकम्पोजर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम्स के एनर्जी फ्लो में. प्राइमरी प्रोडक्शन को मेजर करने के भी कई तरीके हैं. हार्वेस्ट मेथड है. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वेजिटेशन पीरियोडिकली एंड वेइंग द मटेरियल. तो इसमें हम वेजिटेशन जो है, जो भी हरे पेड़ पौधे जो विकसित होते हैं उनको समय समय पर हटाते रहते हैं और उनको मेजर करते हैं. दूसरा मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन मेथड. यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस और इट्स लिबरेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड गैस एनालिसिस और बाय पासिंग द गैस थ्रू बैरिटा वाटर. Barium hydroxide and titrating the same. The carbon dioxide removed from incoming gas chamber is taken to be synthesized into organic matter by the green plants. Next method is oxygen production method. In the aquatic vegetation, carbon dioxide gas analysis method is not used, but oxygen evolution method is generally used. Next method is chlorophyll method. There are other methods also.